हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं वो निकाली गई है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। मैं पोस्ट की भी बात करूं, सीएमपी, जीडीएमओ, अदरवाइज स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि वेरियस क्वालिफिकेशन यहाँ पर एलिजिबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर बात करूँ गाइस, यहाँ पर बिना एग्जाम्स का आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। अब सिलेक्शन जो होगा कैसे, तो यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, और वॉक इन इंटरव्यू आपको यहाँ पर ऑनलाइन लिया जाएगा व्हाट्सअप या फिर जूम के जरिए। और ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं गाइस। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बात करूँ, जो आपको इतनी से वैकेंसीज निकाली जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक की जॉब होती है, आप सबको पता ही है। वेरियस जोन से भी वैकेंसीज निकाल चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी आप लिंक देख सकते हैं, और वहां पर भी जब फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं गाइस। और यहां पर जो भी निकाली गई है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जितने भी हेल्थ सेक्टर में हमारी जो डॉक्टर्स की अथवा यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई वाला अगर रिक्त पद हैं, जो कि खाली पद हैं, उनको फिल किया जा रहा है, और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया किया जा रहा है। तो चलिए गाइस, नोटिफिकेशन वाइज देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कितनी पोस्ट निकाली गई है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को ओपन कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, ये नोटिस आप निकाल सकते हैं, जो कि जिसका लास्ट डेट जो 15 अप्रैल तक रखा गया है, और एक नोटिस है जिसका यहाँ पे 17 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा गया है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइस। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो बिल्कुल इस तरह का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका जो एंगेजमेंट है वो मेडिकल जो देख सकते हैं, प्रैक्टिशनर है, सीएमपी, स्टाफ नर्स हो गया, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल चारबाग लखनऊ से वैकेंसीज आउट की गई है। ये वैकेंसीज जो निकाली गई है, टोटली आपका पीरियड होगा 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अदरवाइज आपकी ज़रूरत होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बढ़ाया भी जा सकता है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट देके यहाँ पर निहा कर दिया जाएगा गाइस। अब जैसे वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू आपकी होगी कब, तो देख सकते हैं 17 अप्रैल 2020 को वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है, 10 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि मोड होगा थ्रू जूम। जूम एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन सेट किया जाता है, उसी के बेसिस पे आपका जो यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, अथवा यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए भी आपका जो है जो यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो चलिए पोस्ट वाइज देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई है और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर जो निकाली गई है। सबसे पहले आप देख लीजिए, नेम ऑफ पोस्ट सीएमपी जीडीएमओ की पोस्ट है, जो कि 12 वैकेंसीज आउट की गई है, जो आपकी मंथली यहाँ पे पेमेंट रहेगी, ये देख सकते हैं 75,000, यानी कि 75,000 के हिसाब से आपका पर मंथ यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर ओनली एमबीबीएस के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री है। नेक्स्ट यहाँ पर सीएमपी है स्पेशलिस्ट, यहाँ पर 36 वैकेंसीज है, 95,000 उनकी रहेगी इनहैंड सैलरी। यहाँ पर एएमडी डीएनबी डिप्लोमा विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, विथ यहाँ पे 2 साल का आपका पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टाफ नर्स, जिसमें जीपी आप देख सकते हैं, जो कि ग्रेड पे 4600 करीब होगी, 86 वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आउट किए गए इन्हीं की, और यहाँ पर आपकी इनहैंड सैलरी रहेगी 54,329 रुपये। सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ, जो कि हैविंग पास्ट 3 ईयर्स का कोर्स होता है वो जनरल नर्सिंग में, या फिर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आईसीयू केस 1 वेल्टिनेटर हैं, वो कि एक्सपीरियंस है उनका, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होगा इस। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन मैं दिखाने वाला हूँ वेरियस क्वालिफिकेशन के अनुसार, उसमें आप देख लीजिएगा। और इसका जो फॉर्म है गाइस, आप देख सकते हैं इसकी एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20 ईयर से लेकर 40 ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि यहाँ पर आधार डेट 1 मई 2020 यहाँ पर आपकी रखा गया है। अदरवाइज जो भी डॉक्टर हैं, एंगेजमेंट एम्प्लॉय क्रिटेरिया जो सूट रखा गया है, एज 65 ईयर्स के बिलो उसके नीचे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और एसटी वालों के लिए जो मिनिमम है यहाँ पर जो दी जाती है, ओबीसी वालों के लिए वो मिलेगी गाइस, ये टोटली गवर्नमेंट जो भी जॉब के अनुसार होता है वो आपको मिलेगी। चलिए ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म की बात करूं, यहाँ पर ऑनलाइन आपका फॉर्म जो है फिलअप नहीं होगा, इसके ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको फिल करने के बाद, उसको स्कैन करने के बाद, ये ऑफिशियल इसका ईमेल आईडी है, इसमें आपको सेंड करना है, जो कि 16 अप्रैल 2020 से पहले इस पर सेंड कर देना है गाइस। अदरवाइज यहाँ पे क्या क्या साथ में देख सकते हैं, डीओबी प्रूफ यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, टोटली क्वालिफिकेशंस के डिग्री है, वो मार्कशीट की सर्टिफिकेट इसका देना पड़ेगा, जो कि स्कैन करके एक्सपीरियंस।
अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी जो भी आप हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज फोटो इसका भी स्कैन करके आपको सेंड करना पड़ेगा। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में कहीं भी पैन कार्ड, वोटर आईडी अथवा यहाँ पे आधार कार्ड आप इसको सेंड कर सकते हैं स्कैन करके। ये भी रहा, देख सकते हैं यही इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी है गाइस। और ये इसका फॉर्म है, इसको फॉर्म आपको फिल करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको स्कैन करना है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ इसको आप सेंड कर देना है ईमेल पे। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसे भी वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं मुरादाबाद डिवीजन से निकाली गई, ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में ही आती है। और यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगा जो कि 3 मंथ का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर दिखा सकती है। और ये पोस्ट स्टेशन भी आपको मिल जाएगा, ये वैकेंसीज है देख सकते हैं, जनरल फिजिशियन, एनचेस्ट फिजिशियन, ZDMO, यहाँ पर देख सकते हैं मुरादाबाद में कहाँ कहाँ निकाली गई है। फिर रेलवे हेल्थ में देख सकते हैं यहाँ पर ZDMO, टोटल वैकेंसी 26 निकाली गई है। यहाँ पर MD, DNB एंड MBBS लोग ही अवेलेबल हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं गाइज। क्या सैलरी आपकी रहने वाली है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कितनी सैलरी है यहाँ पे टोटली आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस वहीं से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी फॉर्म है बिल्कुल इस तरह से गाइस, ये फॉर्म है गाइस, यहाँ पे ये फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट निकालिएगा और बिल्कुल इस तरह से इसको फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद इसको डायरेक्टली आपको सेंड करना है, ये आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी आपको सेंड करना है। वॉक इन इंटरव्यू होगा गाइस आपका भी व्हाट्सअप कॉल के जरिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस आपका लगने वाला है। लेकिन इसकी जो ओनली लास्ट डेट रखा गया है 15 अप्रैल तक रखा गया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एंड आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 15 अप्रैल है, सॉरी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितने की कौन कौन से लोग यहाँ पर इनका इंटरव्यू होगा। और करीब 10 बजे से आपका इंटरव्यू यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा गाइस। और इसका जो फॉर्म है आप 14 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं, याद रखिएगा गाइस 14 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा गया फॉर्म फिल, यानी फॉर्म फिल करके इसको सेंड करने का। और इंटरव्यू डेट आपका यहाँ पर 15 है, थोड़ा देख सकते हैं ये कर्व इस तरह नोटिफिकेशन ही आया है तो इसको बढ़िया से रीडअप कर लीजिएगा। मोबाइल अपने जो भी डिवाइस से देख रहे हैं इसको डिवाइस को घुमा कर देख लीजिएगा। तो फुली गाइस आपके जितने भी इंट्रक्शन है आपको समझ आ चुका होगा, फिर भी आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। अदरवाइज फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है आता है तो ठीक है, नहीं तो हो सके मैं आपको फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिलेवेंट के साथ सेंड करना है टोटली मैं बता दूंगा आपको। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।